बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में 2001 के आईबी के पास पेपर के क्वेश्चन जो एमकैट के वो हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का है ये पोर्शन, सेक्शन वन। इसमें पहला सवाल है लैक्टील्स ऑफ विलाय एब्जॉर्ब अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फैटी एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं लैक्टील्स होती क्या है, विलाय क्या होता है, तो ये पहले हम देख लेते हैं। तो बोर्ड पर मैं आप लोग को ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसमें ये प्रेजेंट होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं विलाय। अब इस विलाय के अंदर क्या होता है, ब्लड वेजल प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेजल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज़ का ये नेटवर्क होता है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना तकरीबन डाइजेस्ट हो जाता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाता है। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना रीअब्जॉर्ब होकर जाता है ब्लड वेजल के अंदर, वो इस तरह से जाता है कि खाने स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड वेजल के अंदर, और ब्लड वेजल से कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि है फैटी एसिड, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, तो उनके लिए दूसरी वेजल यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टील्स। लैक्टील्स एक लिम्फैटिक वेजल्स हैं, लैक्टील्स जो हैं वो लिम्फैटिक वेजल हैं। इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, तो ये फैट और फैटी एसिड की रीअब्जॉर्प्शन कराती हैं। अब सवाल ये है कि ब्लड वेजल ने ही क्यों रीअब्जॉर्ब नहीं किया फैट को, क्योंकि देखो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हमें पता है वाटर होता है, ऑब्वियसली वाटर, ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें उसमें, देखिए भाई ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेलुलर पार्ट, एक होता है ए सेलुलर और दूसरा होता है सेलुलर। ए सेलुलर पार्ट के अंदर वाटर पाया जाता है। अब देखो वाटर और फैट की तो बिल्कुल बनती ही नहीं है, इस वजह से फैट जो है ब्लड वेजल के अंदर डायरेक्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसी वजह से फैट को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए दूसरी वेजल यहाँ प्रेजेंट होती है, जिनको हम लैक्टील्स कहते हैं। ये एक लिम्फैटिक वेजल होती हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक लिम्फैटिक कैपिलरीज हैं। लिम्फैटिक कैपिलरीज कैसी होती हैं, ये ब्लाइंड होती हैं एट वन एंड, इनका एक एंड ओपन होता है और दूसरा एंड क्या होता है, क्लोज होता है, ब्लाइंड एंडेड होती हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, फैट को यहाँ से रीअब्जॉर्ब कराएंगी लैक्टील्स, और इसको जो है प्रोटीन के साथ कंबाइन कराकर देन इसको जो है ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर एंटर किया जाता है। तो डायरेक्ट फैटी एसिड जो है वो रीअब्जॉर्ब ब्लड कैपिलरीज से नहीं होते, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर वाटर होता है और वाटर और फैट की नहीं बनती, तो उसके लिए दूसरी वेजल प्रेजेंट होती है लैक्टील्स। वो किस में होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, और लैक्टील्स का काम है फैटी एसिड की रीअब्जॉर्प्शन कराना स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसको किसके अंदर भेजना, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। बट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्ट फैटी एसिड को नहीं भेजा जाता, उसको लिवर के अंदर प्रोटीन के साथ कंबाइन कराया जाता है, देन उसको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भेजा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके जवाब। लैक्टील्स ऑफ विलाय एब्जॉर्ब अमाइनो एसिड नहीं, अमाइनो एसिड जो है डायरेक्ट जो है ब्लड कैपिलरी से होता है, ये भी ग्लूकोज भी नहीं है, फैटी एसिड है इसका राइट आंसर। एचसीएल की रीअब्जॉर्प्शन कभी नहीं होती, एचसीएल क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं, तो बट ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइजेशन में रोल होता है, हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल कुछ हद तक प्रेजेंट होता है, जो पेप्सिन एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। एक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, जब हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो एचसीएल स्टमक से रिलीज होता है और वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ताकि पेप्सिन क्या करे, प्रोटीन की डाइजेशन करवाए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, ये भी राइट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें हमें बताने जो गलत है, तो माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया जो है वो पैरामीशियम के अंदर होता है, फ्लैजिला जो है यूग्लिना के अंदर होता है, जो कि मूवमेंट कराता है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, जब सेल डिवीजन होती है माइटोसिस और मियोसिस होती है। लास्ट वाला है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये वाला है इसका राइट आंसर, यानी कि हमें गलत बताना था तो वो डी ही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन को नहीं बनाते, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड राइबोसोम, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज नहीं बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलता है तो सक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलके लैक्टोज बनता है, सक्रोज नहीं बनता, तो ये गलत है। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनता है, माल्टोज, तो ये राइट ऑप्शन है इसका। लास्ट में इन्होंने लिख दिया ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलेगा तो सक्रोज, ये भी गलत है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी।
ग्लूकोज क्या है, ये एक मोनोसेक्राइड है, ये भी ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं जो कि ऑरेंज के अंदर पाई जाती है। सक्रोज केन शुगर होती है जो कि शुगर केन के अंदर होती है। और ग्लैक्टोज एक मिल्क शुगर होती है जो कि बेबीज के मिल्क आते हैं लैक्टोजिन वगैरह उनके अंदर पाई जाती है। और फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रूट शुगर होती है, ज़्यादातर ये अंगूर और ग्रेप्स वगैरह में पाई जाती है। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम, इन दो एंजाइम के बारे में बताने, पहले हम इन दो एंजाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन है क्या। ये दो एंजाइम है, एक है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, स्टमक से रिलीज होता है। स्टमक के अंदर मैंने कहा कौन सा एंजाइम होता है, एक होता है पेप्सिनोजिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जब हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं तो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन के अंदर। कौन कन्वर्ट करता है, HCL। HCL रिलीज होता है स्टमक से और पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है इंटू पेप्टोन और उसके बाद अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्जन, इसकी डाइजेशन होती है। तो ट्रिप्सिन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस से। और पेनक्रियाटिक जूस से ये रिलीज़ होता है, पेनक्रियाटिक जूस डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ट्रिप्सिन जो वर्क करता है वो किस एनवायरनमेंट में करता है, अल्कलीन यानी कि बेसिक एनवायरनमेंट में काम करता है। जबकि पेप्सिन किस एनवायरनमेंट में काम करता है, एसिड, और इसलिए कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर। दोनों का काम यही है तकरीबन, प्रोटीन की डाइजेशन करवाना है। तो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। और ये फर्दर पेप्टोन्स को किसके अंदर डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन, अमाइनो एसिड के अंदर। तो इसका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ सीक्रेटेड बाय एसिड डाइजेस्टिव जूसेस। एसिड डाइजेस्टिव जूसेस में दोनों सीक्रेट नहीं होते, पेप्सिन एसिड में होता है स्टमक के अंदर और ट्रिप्सिन जो है पेनक्रियाटिक जूस से आता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। ट्रिप्सिन का काम कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और पेप्सिन का काम कहाँ होता है, स्टमक के अंदर। आर बोथ सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास, नहीं, जस्ट ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस के जरिए जो है वो वहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थर्ड वाला है ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, तो ये इसका राइट ऑप्शन है कि प्रोटीन को किसके अंदर तोड़ते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर। अच्छा, लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, आर स्पेसिफिक एंजाइम रिलीजिंग पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात सही थी इनकी कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट करता है, बट अगर देखें ना हम पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर, और ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन को अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है इसका सी के अंदर बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो राइट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज मोस्टली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये इसका गलत है, विटामिन के ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं होती। दूसरा है कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, पेलेग्रा। अच्छा, पेलेग्रा देख लेते हैं, पेलेग्रा एक स्किन डिसऑर्डर है। पेलेग्रा एक क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। इसकी तीन चार कंडीशन सिम्टम्स हैं, अलामत हम देख लेते हैं। एक है इसकी डर्माटाइटिस, अच्छा एंड में एक वर्ड आ गया आइटस, जो डॉक्टर बनते हैं MBBS और BDS करते हैं उनको पता होता है कि आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर स्किन की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस पेलेग्रा के अंदर। दूसरा इसके अंदर होता है डायरिया। तीसरा इसके अंदर हो जाता है डिमेंशिया। तो उसके बाद जो है अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो पेलेग्रा की जो बीमारी है वो होती है वाइटामिन B3 की कमी से, जिसको हम नियासिन कहते हैं। तो वाइटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, जिसमें क्या क्या अलामत होती हैं, डर्माटाइटिस, स्किन स्वेल हो जाती है, स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन वगैरह होता है, डिमेंशिया। और वाइटामिन B3 की अगर कमी हो, नियासिन की अगर कमी हो, तो जो डिसऑर्डर है सबसे पहले डायरिया से स्टार्ट होता है, GIT पर सबसे ये पहले अफेक्ट करता है, उसके बाद स्किन पर करता है, उसके बाद डिमेंशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, देन उसके बाद डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि विटामिन B3 का था। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो ये राइट ऑप्शन है इसका। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को बढ़ाता है ताकि ब्लड जो है क्लॉट हो सके। नेक्स्ट है प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोल है वो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, रिगार्डिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ट्रैकिया इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया एक ट्यूब होती है इस तरह की, इसको हम जो है विंड पाइप भी कहते हैं। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो कि कार्टिलेज को कोलैप्स होने से बचाती हैं। जब हम सांस
एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस दौरान ऐसा हो सकता है कि जब हम थोड़ी टाइम के लिए सांस रोके तो कोलैप्स हो सकती है। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए यहाँ पर कौन सी रिंग होती है, सी शेप कार्टिलेज। लेकिन इन्होंने कहा है कि कम्प्लीटली सराउंडेड करते हैं, तो कम्प्लीटली सराउंड नहीं करती, इनकी थोड़ी सी ओपनिंग होती है इस तरह से, ताकि जो ट्रैकिया है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो सके। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट है ट्रैकिया डिवाइड इंटू थ्री ब्रोंकस। ट्रैकिया जो है तीन ब्रोंकस के अंदर डिवाइड नहीं होती, दो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होती है, तो दो ब्रोंकाई के अंदर होती है। ब्रोंकाई से फिर अल्टीमेटली ब्रोंकियोस निकलते हैं, फिर उनसे जो है एल्वेलाई निकलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि दो ब्रोंकाई आते हैं। नेक्स्ट है वोकल कॉर्ड लाई इन द लैरिंग्स। हाँ भाई, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं, जिनके अंदर दो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लंग्स आर रिजिड स्ट्रक्चर विद लिटिल इलास्टिसिटी। लंग्स जो है वो सख्त नहीं होते भाई, सॉफ्ट होते हैं, तभी जो है हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो डी ऑप्शन भी इसका गलत है, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पायरेशन। देखो भाई, सेलुलर रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है, जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो ये ग्लूकोज क्या करता है, जब हम ग्लूकोज का इंटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब स्टार्च या पॉलीसेक्राइड की डाइजेशन होती है, तो उससे एक मोनोसेक्राइड बन जाते हैं, एक स्मॉल यूनिट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या करते हैं, हर सेल के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं ना ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी कैपिलरी से एओटा से गुजरते हुए जब ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, उस सेल या टिश्यू सेल के अंदर जाएगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, उस सेल के अंदर जाएगी। ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा, एओटा फिर पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। अब सोच लेते हैं, जो सेल है ये सेल है जैसे कि मसल का सेल है। अब मसल के सेल के अंदर ग्लूकोज डिपॉजिट हुआ है। अब जब हम ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ से कैपिलरीज गुजर रही होती हैं, इन कैपिलरीज के अंदर फिर क्या जा रही होती है, ऑक्सीजन जा रही थी। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास जाएगी और ग्लूकोज को तोड़ देगी। तो ग्लूकोज दो चीज़ों के अंदर टूटेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा एटीपी। एटीपी क्या है भाई, एनर्जी है। तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आने के नतीजे में तीन चीज़ें मिली। तो मसल को क्या मिला, एटीपी यानी कि एनर्जी मिली, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और काम वगैरह कर सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये दोबारा से इस कैपिलरी के अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, सारा ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वीना कावा, फिर वहाँ से वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स के अंदर फिर गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है और ऑक्सीजन इनहेल हो जाती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और नेक्स्ट है वाटर। वाटर अगर बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वरना ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा, और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या कहाँ था, सेल के अंदर। ऑक्सीजन आई, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा और उससे क्या बनाई, एनर्जी बनाई। इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पर है टू कंबाइन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं, गलत है। नेक्स्ट है टू कंबाइन विद कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन के साथ यहाँ कंबाइन नहीं होगी। नेक्स्ट है टू ऑक्सीडाइज एडीपी टू एटीपी, तो ऑक्सीजन का रोल इसके अंदर नहीं होता, वो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को कंबाइन कराकर एटीपी बनाता है। लास्ट वाला है टू कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर भी बनता है और एटीपी भी बनता है। तो किसी भी तरह से भी सवाल आ सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं टू कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी, तो ये भी सही होगा। अगर यहाँ पर लिखा हो टू कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, तो यहाँ पर यूजफुल प्रोडक्ट कौन से, एटीपी है और वाटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कैसे एक्सक्रीट आउट होगी, एक्सहेलेशन के जरिए होगी। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीसिस द रेट ऑफ रिस्पायरेशन मोस्ट एफिशिएंटली। रेट ऑफ रिस्पायरेशन का मतलब है सांस, जब हम वॉक वगैरह करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो थोड़ी देर के जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा सांस एकदम से फूलने लगता है। रेट का मतलब होता है एक मिनट के अंदर वो कितनी सांस ले रहा है, या 10 मिनट के अंदर कितने वो सांस ले रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो कितनी कर रहा है। तो इसको कहते हैं रेट, कि भाई एक मिनट के अंदर पहले उसने 70 टाइम इनहेल किया था, 70 टाइम एक्सहेल किया था, अब वो ज़्यादा फास्ट फास्ट सांस ले रहा है, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेशन। रेट का मतलब होता है एक मिनट के अंदर कितना वो रिस्पायर कर रहा है, कितनी सांस ले रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई। अगर एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारा रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ सकता है। देख लेते हैं भाई कैसे होते हैं, क्या कह रहे हैं। एल्वेलाई ये है भाई, एल्वेलाई इस तरह से होती हैं स्ट्रक्चर,
सैकलाइट स्ट्रक्चर होता है ये। इन्होंने कहा अगर इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारे क्या होगा, सांस बढ़ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द क्या होती है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनका काम क्या होता है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करना। ये सारा नेटवर्क कहाँ पर है, लंग्स के अंदर है। लंग्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, एल्वोलाई, और उसके इर्द गिर्द गुजर रही होती है ब्लड कैपिलरीज। अब ये ब्लड कैपिलरीज है लंग्स के अंदर, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है, नेटवर्क कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर। लंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है एल्वोलाई। अच्छा, लंग्स के अंदर हमने कहा था गैसेस एक्सचेंज होती है, अब देखते हैं गैसेस एक्सचेंज क्या होती है। जो कैपिलरीज हैं कौन सा ब्लड लेकर आ रही हैं, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज को ब्लड किसने दिया, अगर हम बात करें इन कैपिलरीज को ब्लड किसने दिया, तो इन कैपिलरीज को ब्लड दिया पल्मोनरी आर्टरी ने। पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड किसने दिया, हार्ट। हार्ट का कौन सा वेंट्रिकल देता है भाई, राइट वेंट्रिकल देता है। पल्मोनरी आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, और ये आगे जाकर किसको ब्लड देती हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज को देती हैं, जहाँ पर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। अच्छा, अब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है नोज से, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, देन एल्वोलाई के अंदर अभी ऑक्सीजन आ गई। अभी ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्रॉस होकर कैपिलरी के अंदर आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई के अंदर। तो इस तरह से यहाँ से अब जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से कहाँ जाता है, पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन से कहाँ जाता है, हार्ट। फिर हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है एओटा, एओटा से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी के टिश्यू और सेल के पास जाकर क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज से क्या प्रोड्यूस कराता है, एनर्जी। इसको तो हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। बट ये वाला जो मैकेनिज्म था ये क्या था, रिस्पायरेशन की बात कर रहे थे हम, गैसेस एक्सचेंज की। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने बुक के अंदर क्या सवाल पूछा है कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन कब पड़ते हैं, जब एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, तो देखो भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं। जब हम वॉक करते हैं ना तो सांस नहीं ले रहे होते, तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे एक तो मैंने वाला बताया था कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बाकी भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है। जब अमाइनो एसिड टूटता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन रहा होता है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब ये बाहर कैसे जा सकते हैं, तभी बाहर जा सकते हैं जब ऑक्सीजन अंदर आएगी, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड वेसल के अंदर बढ़ जाए तब रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर आए। तो यहाँ पर है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड वेसल भी आ सकते हैं ऑप्शन, इन द कैपिलरीज भी आ सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स में, और लंग्स की किस जगह पर प्रेजेंट है, एल्वोलाई के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। दूसरा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, अगर लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाए तो उसका कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम बात किसकी कह रहे हैं, ब्लड की। ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ना, तो हमें उसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा लानी पड़ती है बाहर से। ये लंग्स से ऑक्सीजन आती है जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर एक्सहेल करती है नोज के जरिए। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट, हार्ट का क्या काम होता है, पंप ब्लड एट अ कॉन्स्टेंट रेट। देखो इन्होंने कहा है कि हार्ट ना हर वक्त जो है एक ही रेट पर जो है ब्लड को जो है पंप करता रहता है, ऐसा नहीं होता। अगर हम वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, तेज तेज ब्लड को पंप करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉक कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए हमने सांस नहीं ली, तो हार्ट के ऊपर बर्डन पड़ जाते हैं, लोड पड़ जाता है, वो जल्दी जल्दी काम करता है और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसी तरह अगर हम रेस्ट में हैं तो हार्ट क्या करेगा, पंप स्लोली करेगा, 72 टाइम्स पर मिनट जो इसकी हार्ट बीट होती है। अगर इसी तरह कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके अंदर भी हार्ट पंप ज़्यादा करेगा। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उसके अंदर भी हार्ट का जो रेट है वो अलग होगा। तो कॉन्स्टेंट रेट नहीं होता, एक नहीं रहता, अलग अलग होता रहता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हार्ट जो है सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करता है, हार्ट ना दोनों ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड भी करता है और ऑक्सीजनेटेड भी। ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के जो ऊपर के पोर्शन हैं दोनों, ये क्या कहलाते हैं, एट्रियम, ठीक है, और नीचे वाले दो जो हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल।
अब ये वाली जो साइड है क्या कौन सी साइड कहलाती है, राइट साइड, और ये वाली कहलाती है लेफ्ट साइड। राइट साइड के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वीना कावा, और इंफीरियर वीना कावा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। इसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड जो सारा ब्लड होता है वो सारा कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स। लंग्स के स्पेसिफिक किस जगह पर जाता है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई की। लंग्स के अंदर ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पर क्या होती है गैसेस एक्सचेंज होती है। फिर वहाँ से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज से आता है किसके अंदर, पल्मोनरी वीन। और पल्मोनरी वीन वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर डाल देती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल देती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा। एओर्टा से फिर जाता है पूरी बॉडी। तो देखो दोनों तरह का ब्लड जो है हार्ट पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है। और ऑक्सीजनेशन कहाँ हुई थी, लंग्स के अंदर हुई थी। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि हार्ट जो है दोनों ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड को भी और डीऑक्सीजनेटेड को भी। अगला सवाल है, इस अंडर सम अमाउंट ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल। इन्होंने कहा जो दिल है ना वो हमारे कंट्रोल में होता है। देखो दिल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम कभी कह सकते हैं दिल को कि भाई तुम अब धड़को, अब धड़कना बंद कर दो। जैसे देखो हमारे हाथ कंट्रोल में, अब मैं हाथ को मूव कर रही हूँ तो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे किस तरह से मूव करना है, लेकिन दिल हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने कंट्रोल में, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, इज स्टिमुलेटेड बाय एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। तो ये इसका राइट ऑप्शन सही है। एसए नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एक इंपल्स, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स मैसेज देता है दोनों एट्रियम को। ठीक है, जब ये यहाँ से एक मैसेज जनरेट होता है, इंपल्स कहते हैं मैसेज को, हार्ट के अंदर जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज द मैसेज विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एसए नोड। तो एसए नोड से एक मैसेज आता ही हूँ तो दोनों एटीएम के पास जाते हैं, फिर दोनों एटीएम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये मैसेज किसको दे देते हैं, एक और नोड एसए नोड के नीचे होता है एवी नोड को। फिर एवी नोड क्या करता है, इससे मैसेज लेता है थोड़े टाइम के लिए, उस मैसेज को होल्ड करके रखता है। होल्ड इसलिए करता है कि एटीएम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाए। उसके बाद ये एवी नोड क्या करता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। एसए नोड मैसेज देते हैं, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद एसए नोड एवी नोड को मैसेज दे देता है। एवी नोड थोड़ी देर के लिए मैसेज होल्ड करके रखते हैं ताकि एटीएम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। फिर एवी नोड क्या करता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो हार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय एसए नोड, तो ये बात बिल्कुल सही है। और अगर इस तरह से आ जाए कि एसए नोड किसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो एसए नोड एटीएम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और एसए नोड एवी नोड को भी मैसेज देता है। और अगर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराता है, तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अगला सवाल, अच्छा यहाँ पर राइट ऑप्शन डी है। अगला सवाल है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्किन एक्सेप्ट। यहाँ पर सारे सही है सिवाय एक के, तो हमें गलत बताने। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, सही है। विटामिन ई इज सिंथेसाइज हियर, विटामिन ई स्किन में नहीं बनती, विटामिन डी बनती है। और अगर हम विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई ह्यूमंस में, मैमल्स में, एनिमल्स में नहीं बनती, विटामिन ई बनती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर कहाँ बनती है भाई, प्लास्टिड में बनती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। विटामिन ई बनती है प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड में भी कौन सी टाइप होती है, प्लास्टिड की तीन टाइप होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये बनती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो विटामिन ई एनिमल और ह्यूमन के अंदर नहीं बनती, सिर्फ प्लांट के अंदर बनती है। अच्छा ये ऑप्शन इसका सही है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अच्छा अगला है, इट परफॉर्म बोथ सिक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, सही है भाई ये ऑप्शन इसका सही है। सिक्रीशन भी करते हो, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग कराते हैं। स्वेटिंग के अंदर वाटर भी होता है और सॉल्ट भी कुछ हद तक एक्सक्रीट होता है। सिक्रीटरी क्या होता है, ये इसके पास ग्लैंड होते हैं सीबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयल को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है, मेलानिन इज सिंथेसाइज हियर, ठीक है भाई। मेलानिन भी यहाँ पर सिंथेसाइज होता है, जो कि स्किन को क्या करता है, कलर देता है और पिगमेंटेशन देता है। जब भी सनलाइट ज़्यादा पड़ती है स्किन पर, तो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि सनलाइट अंदर ना जाए और स्किन के स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे। तो इसी वजह से जब सी साइड पर जाते हो, जब वहाँ सनलाइट ज़्यादा चेहरे पर पड़ती है, जब वहाँ से आते हो, तो चेहरा जो है वो डार्क हुआ होता है। इस वजह से होता है कि मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है ताकि सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको स्किन के अंदर ना जाने दे, ताकि स्किन का डीएनए डैमेज ना हो, स्किन का बैरियर खराब ना हो। नेक्स्ट है, मोटर नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम। अच्छा ये भी देख लेते हैं, मोटर नर्व सेल, ये तीन तरह के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी होता है, एक इंटर होता है और एक मोटर होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर से मैसेज लेता है और किसको दे देता है, कंट्रोल सेंटर को, सीएनएस को। सीएनएस में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम था,
रिसेप्टर यहाँ पर स्किन हो सकती है और कुछ एपिथीलियल सेल भी हो सकते हैं। इंटर न्यूरॉन में क्या आते हैं भाई, ब्रेन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पूरे इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, मैसेज किसको दे दिया, ब्रेन ने। अब ब्रेन के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन जो मैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, जवाब और रिस्पॉन्स तैयार करते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स किसको दे देते हैं, मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन मैसेज कहाँ से लेकर आता है, CNS से मैसेज लाता है और ये मैसेज किसको दे देता है, इफेक्टर को। अब इफेक्टर दो चीज़ें होती हैं, या तो मसल होता है या ग्लैंड होता है। मैं पूरा बता देती हूँ, स्किन पर हमारे रिसेप्टर हैं जैसे थर्मो रिसेप्टर हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्किन पर रिसेप्टर हैं, कौन से हैं, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, बाहर के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आया उसको डिटेक्ट किया। जैसे समझो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया 37 से, इन्होंने मैसेज दिया ब्रेन को। अब ब्रेन में कौन सा पार्ट दिया होगा मैसेज ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को दिया होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है। अब ये ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन बैठे होते हैं, मैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, जवाब तैयार करते हैं, मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं कि तुम जाकर मैसेज दो इफेक्टर को। इफेक्टर में दो चीज़ें थी, एक मसल आता है और दूसरा ग्लैंड। तो इन्होंने पहले ग्लैंड को मैसेज दिया, ग्लैंड में इन्होंने दिया स्वेट ग्लैंड को मैसेज दिया कि तुम क्या करो, स्वेटिंग ज़्यादा कर दो। स्वेटिंग ज़्यादा कर दोगे ना तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में नहीं बढ़ेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा मसल को भी मैसेज दिया, मसल को क्या मैसेज दिया, मसल के अंदर स्मूथ मसल के अंदर आती हमारी वेसल, स्मूथ मसल के अंदर आ जाती हमारी वेसल। तो उनको बोला कि तुम क्या कर दो, डायलेट हो जाओ, वेसो डायलेशन कर लो ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो तुम में से गुजरेगा, वेजल से ज़्यादा ब्लड फ्लो गुजरेगा। जब ये ब्लड स्किन के पास से गुजरेगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगी जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरा जो लेक्चर है इसका, थर्मो रिसेप्टर और रिसेप्टर का फीडबैक सिस्टम का, ये पूरा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मोटर नर्व सेल यानी कि मोटर न्यूरॉन के सेल ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को कहाँ से कहाँ, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को, इम्पल्स का मतलब है मैसेज को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं, इफेक्टर से स्पाइनल कॉर्ड। देखो, इफेक्टर से स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा मैसेज कभी नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर में आता है। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है जो कि सेंसरी नर्व सेल, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाते हैं, मोटर नर्व सेल नहीं लेकर जाते। थर्ड है रिसेप्टर से कहाँ जाता है, इफेक्टर। रिसेप्टर से डायरेक्ट इफेक्टर में कभी मैसेज नहीं गया, रिसेप्टर से डायरेक्ट कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। दूसरा है, लास्ट वाला है, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है, इफेक्टर में। तो ये इसका राइट ऑप्शन है कि स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता था, मोटर न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का जो है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाता है, इफेक्टर में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी लिख सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन सेल मैसेज लेती है स्पाइनल कॉर्ड से और किसको दे देती है, इफेक्टर को, तब भी राइट ऑप्शन ये होगा। अगर ये बोलते हैं ब्रेन से मैसेज आते हैं इफेक्टर में तब भी सही, अगर ये बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आते हैं इफेक्टर में तब भी सही। ये भी कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा मसल और ग्लैंड को, तब भी ये बात सही है। अच्छा, यहाँ पर ये राइट ऑप्शन तो इसका डी है। एक और चीज़ के, रिसेप्टर से इफेक्टर में डायरेक्ट मैसेज कब जाता है, तो इसकी कोई कहानी नहीं होती है, बिल्कुल गलत होता है। रिसेप्टर से हमेशा मैसेज पहले CNS में जाता है, फिर CNS से इफेक्टर में आता है। एक चीज़ और होती है कि सेंसरी न्यूरॉन से इन्होंने कहा मैसेज आ रहा है इंटर न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से उससे मैसेज आता है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन। ऐसी बात है कि सेंसरी थर्मो रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर डिटेक्ट किया, ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन फिर मैसेज देते हैं मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मैसेज देते हैं इफेक्टर को। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में ना इंटर न्यूरॉन नहीं होता, डायरेक्ट रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज मिलता है, सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को मैसेज दे देते हैं। एक टर्म ऐसी है जिसमें इंटर न्यूरॉन नहीं होता, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन में होता है, जहाँ पर इंटर न्यूरॉन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसमें राइट ऑप्शन रिफ्लेक्स एक्शन है। अगला सवाल है, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इन एन एडल्ट वुड कॉज एन इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जब होता है तो मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब थायराइड ग्लैंड को ही हटा दिया तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम है एक ग्लूकाकॉन हार्मोन का। ग्लूकाकॉन हार्मोन रिलीज होता है पेनक्रियास से और वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम किडनी। तो सोडियम का काम एक्सक्रीशन करा रहे हैं सोडियम को किडनी से, तो ये इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ TSH। अगर थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड बॉडी के अंदर होता है तो TSH के लेवल को कम करके रखता है। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर इसका डी। अगला सवाल है, इंसुलिन कॉसेस इंक्रीज ब्लड शुगर। नहीं, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। दूसरा है,
इंक्रीज कैल्शियम डिपॉजिट इन द बोन, तो कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट कौन कराता है, विटामिन डी करवाता है जो कि किडनी से बनता है, किडनी के अंदर बनता है। दूसरा है, थर्ड ऑप्शन है इसका, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू ग्लूकोज। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है, जब हम ग्लूकोज का इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, तो इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को उठाता है, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को उठाएगा और इसको डिपॉजिट कराएगा बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है, ताकि बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाया जाए और उससे जो है बॉडी के सेल एनर्जी हासिल करें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू ग्लूकोज। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर जाता है और सेल के अंदर डिपॉजिट करवा देता है, और यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। और अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें ना, तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, इंसुलिन नहीं होता। तो अगर जब ये ग्लूकोज वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो इनकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ा हुआ है, बट इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डिपॉजिट कराने वाला हार्मोन नहीं है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस, यानी कि पैनक्रियास के सेल इंसुलिन नहीं बना रहे। अब इंसुलिन नहीं बन रहा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा, अब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाते तो ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहता है, सारा का सारा ब्लड के अंदर होता है, और ये ब्लड से ट्रेवल करते हुए कहाँ चला जाता है, पूरा किडनी के अंदर, किडनी से यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है मायोफिब्रिल। मायो का मतलब होता है मसल, फिब्रिल का मतलब होता है छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा ये स्मूथ मसल के अंदर होते हैं, स्मूथ मसल के अंदर ये नहीं होते, ये होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। स्केलेटल मसल वो होता है जो बोन के साथ अटैच होता है, और स्केलेटल मसल को हम स्टीरिएटेड मसल भी कहते हैं, जिसके अंदर यूँ डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट हो उसको कहते हैं स्टीरिएशन। और कौन सा मसल बनाते हैं भाई, स्केलेटल मसल बनाते हैं, राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी, स्मॉलेस्ट फाइबर है जो मसल को बनाते हैं। मसल कौन सा है, स्केलेटल मसल है, जिसको हम स्टीरिएटेड मसल भी कहते हैं। और स्केलेटल मसल कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, तो यहाँ पर वॉलेंट्री मसल भी लिखा हुआ आ सकता है। सी ऑप्शन है, और क्रॉस बाय ट्रांसवर्स वाई बैंड, नहीं ट्रांसवर्स वाई बैंड नहीं होते, यहाँ पर जेड डिस्क होती है, जेड डिस्क होती है एक यू लाइन, और इसके बीच में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद ये फिर से जेड लाइन आ जाती है, यहाँ पर ये सारे मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं। तो जेड डिस्क के बीच में एक यूनिट होता है स्केलेटल मसल का, जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर, यही असल में जो है मायोफिब्रिल के अंदर होते हैं, जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दूसरा है कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, भाई मायोफिब्रिल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसका राइट ऑप्शन है बी।